अब तो मार भी नहीं पा रहा, दर्द हो रही है कल से। हर संडे संडे आके गरीबों में कुछ बांटते हैं, गरीबों को कुछ खिलाते हैं। गाइस तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस कल से दर्द हो रहा है। तो गाइस मैं घर आ गया हूँ ऑफिस से, और ऑफिस से आने के बाद अब वही बताओ क्या होता है। हाँ, किचन में जाता हूँ मैं, और किचन में मम्मी लगी रहती है मेरे लिए जब मैं ऑफिस से आता हूँ। तो देखते हैं आज मम्मी ने मेरे लिए क्या बनाया। तो चलो किचन में। देखो गाइस, तो आज मम्मी ने मेरे को फोन करके बताया कि आज मैं तेल लिए बनाऊंगी। ये क्या है भैया, मलाईदार सूजी के ब्रेड? मलाई, टमाटर, प्याज, नमक, मिर्च डाल लिया और इसका पेस्ट बना लिया। मलाई, टमाटर, टमाटर जी और प्याज और नमक मिर्च इसका पेस्ट बना लिया। हाँ। तुमने अभी बनाया ये? नहीं, ये पेस्ट पहले का बना के रखा हुआ है, क्योंकि 10 मिनट पहले बनाना चाहिए। इसमें डाली मैं दही, सूजी, मलाई, सूजी, हाँ, नमक, मिर्च, टमाटर, प्याज। अच्छा, तो ये पहले का बना के रखा हुआ तुमने? मलाई का पेस्ट, सूजी डाली इसमें। अच्छा, ये बन जाता है ऐसे। ये देखो जी क्या स्वाद ब्रेड बन गया हमारा, ना डिफरेंट टाइप का। और मैं आते समय ये ले आया था, मम्मी आटे के बिस्किट ले आया था। मैं थोड़ा आज डिफरेंट बिस्किट खाते हैं, बहुत बाहर के बिस्किट खा लिए। और ये अपनी छोटी बहन के लिए पापे ले आया था। यार तो देखो यार, सिमी कब से करती पापे ले, वो चली गई तो ये लेके आ। कोई नहीं, वो फिर अगर आएगी, फिर जैसे कभी भी आती मेरे ब्लॉग के लिए तो मैं फिर से ले आऊंगा, क्या दिक्कत है? कभी क्या, वो तो आई जाएगी 3-4 दिन में। पर यार तो क्या हो गया, फिर से ले आएंगी यार, कोई दिक्कत है क्या? मत कर लेना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत मम्मी से बात नहीं करती यार, इन्हें मुझे इरिटेट कर दिया। अब तो मार भी नहीं पा रहा, दर्द हो रही है कल से। तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ बाहर। मैंने आज फिर से सोचा कि समोसे वगैरह बांट दिए जाए, क्योंकि आज संडे भी था। जैसा आपको पता है कि मैं करता हूँ हर महीने, जो मेरी इनकम होती है उस इनकम में से थोड़ा सा जो है मैं बाहर बांटता हूँ, क्योंकि अच्छा महसूस होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर वाले बंदे भी जो है खुश होते हैं। तो मैं जा रहा हूँ गाइज बाहर समोसे लेने, ठीक है? और समोसे लेने के बाद देखते हैं फिर कहाँ पे जाते हैं हम बांटने, फिर चलिए बाहर चलते हैं। निकल चुके हैं जैसे कि आपको बताया था, अब हम निकल चुके हैं। कहाँ पे जा रहे हैं हम भाई? हम समोसे बांटने जा रहे हैं। तो नहीं, जा किधर रहे हैं तो बताओ? ये अपने घर के नियर बाई है। हाँ, तो हम वहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम वहीं पे मिलते हैं। इसको भी ले लेकर यार, थोड़ा सा यार ये भी बोलते हैं। वरुण भाई हम आ गए ना? नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है। अच्छा, अभी रास्ते में। मैं गाइस समोसे बांट देता हूँ यार, ठीक है? हाँ, प्रथम वी कंटिन्यू। ओके, तो गाइस वरुण भाई ये कहते हैं, जैसे कि आपको बताया था हमने कि हम हर संडे संडे आके गरीबों में कुछ बांटते हैं, गरीबों को कुछ खिलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। तो आज गरीबों के लिए थोड़ा सा कुछ लेकर आए थे, आज हम वो गरीबों को खिला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि वरुण भाई हमारे पहुंच चुके हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। और ये हमारे यहाँ का इतना प्रसिद्ध मंदिर है। वरुण भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, साथ में मैं भी कर रहा हूँ ऐसा कि। तो ये हमारी मेहनत है, बस चल रही है आप लोगों के लिए गाइस। तो बस आप लोग सपोर्ट करें हमें और आगे बढ़ाएं। हम डेली डेली ब्लॉग डालते हैं, डेली डेली इतनी मेहनत, एडिटिंग, फिर रात भर जगना, वो सब सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं कर रहे, क्या आप लोगों का एंटरटेन हो जाए। तो कैसा लगा? तो मैंने तो बांट दिए प्रथम भाई, अब आपके हैं, ठीक है? अब आपने देने हैं, ठीक है? ठीक है, तो अब चलो, अब यहाँ तो ख़त्म हो गए हैं, तो अब आगे चलते हैं। अब और जो है जो बचे ना आगे जाके देते हैं फिर। आओगे भाई, जैसा कि आपने देखा हमने यहाँ पे बांट चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, हम निकल चुके हैं। हमारे ड्राइवर इतनी अच्छी गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर अब कहाँ जा रहे हैं हम? सर दूसरे मंदिर में जा रहे हैं, क्योंकि समोसे जो हैं अभी बहुत सारे बच गए थे। तो अच्छा, जा रहे हम बीच में रुके थे पेट्रोल भरवाने, क्योंकि हमारी गाड़ी में हो गया पेट्रोल खत्म।
ये वही भाई हैं जिन्होंने ज्यादा जिन्होंने हमने बोला नॉर्मल इन्होंने डाल दिया पावर एक्स्ट्रा दिया मैंने कभी नहीं दिया एक्स्ट्रा लिया तो मतलब तो कहने का ये ना हमने नॉर्मल बोला इन्होंने डाल दिया पावर का और अब हम डलवाते स्कूटी में 300 में टंकी फुल इन्होंने कर दी 600 में फुल वाह इसलिए हम सबूत के तौर पर देखो तुम्हें ले रहे हैं इस बार भी तुम ही डाल रहे हो गए फुल अरे कहाँ ये 432 का फुल हो रही है फिर कितने में होती है ये तो भाई अपना बिल बनाएंगे 1500 यार इनका क्या तुम चो 1000 रुपए में भी हो जाती नहीं, है अरे मजाक कर रहे तुमने तो दिल पे ले लिया यार बात फ्री करूंगा 1000 में चार बार और करूंगा और भाई इसमें ना 500 रुपए का पेट्रोल कहीं से डलवा के लाके ना इनसे बोलेंगे 1000 रुपए में फुल करो भाई फुल करनी तुम्हें तो भाई यार हम ना इस चीज से बीते हुए क्योंकि हमारे साथ ना स्कैम हो चुका है यार भाई साहब चेक दे रहा हूं आप चीज सबूत के तौर पे ठीक है भाई चेक दे रहे हो भाई देख लो चेक ये देखो चेक ही से कहते हैं चलो निकलते हैं भाई ठीक है भाई ओके बाय भाई। तो गाइस अब ये हमारे प्रथम भाई दे रहे हैं बड़ी मुश्किल से ढूंढे यार कहीं मिल नहीं रहे थे कम से कम 10 से 12 मिनट जो है हम ढूंढ ही रहे थे कहीं मिली नहीं यार आज क्योंकि हम में मेरे ख्याल से लेट भी आए हैं यार लेट हो गए हम और ऊपर से आज जो है संडे भी है ये भी हो सकता है दे दिए अंकल उधर दे दिए कितने रह गए प्रथम भाई अब भाई थोड़े से रह गए हैं बस अभी कितने 3 2 4 गिनू क्या गिना देखना 5 है चलो और देखते हैं फिर कहीं यार देखो पुनी सुपरस्टार हमें मिल गया आज तक ये देखो कौन है पुनी सुपरस्टार ये देखो जोकर का ही हम बहुत बड़े फैन हैं पुनीत भाई के हम यहाँ पे आए थे सेल ही सेल चश्मा वाले के पास आए थे सेल ही सेल सेल ही सेल तो इतने पुनी सुपरस्टार वाला जो है चश्मा ले लिया खरीद लिया अभी घर बैठ के जो है यही पहन के खाना पीना खाया करेगा और यही पहन के जिम आया करेगा ये यही पहन के जिम आना पहन के जिम आऊंगा टोपी भी यही हाँ लेकिन यार मारेंगे मेरे को वहाँ पे लोग सबसे पहले तो मुझसे पिटो का अगर ये जिम पैक किया नहीं भाई यार हमें मना हो गया रिजेक्ट हो गया वैसे दिख रहा है इस चश्मे से हैं इस चश्मे से दिख रहा है कुछ का दिख रहा है एक तो रात इतनी हो रही है अंधेरा और कुछ भी नहीं दिख रहा भाई इतना इतना तो दिख रहा है सही है भाई तो वही कर दे एक बार पुलिस वाला बाय क्या बोल के आए हो वैसे बताओ तो भाई उसे मैंने बोले हैं आप उसे पनीर के मोमोज बोले हैं और हाफ बोले उसे वेज मोमोज जो उसके पास थे अभी अवेलेबल अच्छा हाँ और ये खड़ी अपनी माशूका यस तुम उधर देख रहे हो कि कौन सी माशूका है मैं यही सोच रहा हूं ये भाई ये और इसके अलावा और कोई माशूका नहीं बनानी मैंने अरे भाई साहब तुम तो पता नहीं बस गाइस ये आ गए हमारे फ्राइड मोमोज और ये कंजर ने खामा खा बनवा लिए यार खाने हैं नहीं यार जबरदस्ती बनवा लिए यार इसे पता भी है मेरे पेट में बता रहे नहीं खाने है ये वीडियो में बता रहे नहीं खाने नहीं लेकिन यार खाने नहीं थे यार सारे तुम ही खाओगे मैं खाऊंगा ही नहीं तुम ही खाओगे हमने तो खा लिए हैं मोमोज ठीक है आखिर इस कंजर ने खिलाई दिए बाकी अब निकलते हैं घर के लिए मैं तो सोच रहा था अंडे वगैरह खाऊंगा लेकिन अब अंडे खा ही अंडे खाने की हिम्मत ही नहीं अंडे खा ही जाएंगे अब फिर निकलते हैं घर के लिए क्योंकि मुझे दाल लेनी है बाहर से मूंग की धुली दाल लेनी है मूंग की धुली दाल लेनी है मूंग को धो के पहले तो उनको फोन करूंगा मैं कि कौन सी दाल लानी थी मेरे को याद नहीं है तो चलते हैं राशन वाले पे फिर उससे मूंग की धुली डाल लेते फिर निकलते हैं घर इसको छोड़ के तो गाइस मैं घर आ गया हूँ और जैसा आप लोगों ने देखा होगा अभी कि मैंने समोसे वगैरह जो है सब बांट दिए हैं और प्रथम भी आया था बांट दिए हैं और अब मैं घर आ गया हूँ और घर आने के बाद जो है अब मेरा दिल तो कर नहीं रहा कि मैं कुछ खाऊं क्योंकि प्रथम ने मोमोज खिला दिए फ्राइड मोमोज खिला दिए और जैसा मेरा पेट खराब था मैंने खाने तो थे नहीं लेकिन फिर भी उसने ज़बरदस्ती खिलवाए दिए मैंने कहा चल यार इतनी प्यार से खिलवा रहा तो खा लेता हूँ क्योंकि कभी कभी तो वो खिलाता है कमीना और डेली तो खिलाता नहीं कम से कम 2-3 महीने में तो एक बार खिलाता है वो मैं कहा चल खा लेता हूँ तो जहाँ दोस्त यार फ्री में खिलाने लगे तो सालो खा लो चाहे पेट भी भरा हो पेट खराब हो खा लो मना मत करो दोस्त को तो अब फिर क्या करते हैं मैं गर्मी लग रही है मैं सोच रहा हूँ पहले नहाऊँ नहाने के बाद अगर जो डिनर वगैरह पहले मम्मी से पूछ लूँ कि मम्मी ने डिनर बनाया क्या है मम्मी क्या बनाया है
कौन सी दाल? अच्छा जो मैं अभी लेके आया हूँ बाहर से मूंगी धुली, वही बना रही हो? तो ठीक है फिर मैं नहीं खाऊंगा, मेरा कैंसिल। ठीक है आपको पता है वैसे मैं दाल वाले मूंगी पुंगी नहीं खाता मैं। सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन अरे सेहत के लिए मैंने आपको गाइस बताया था ना वो ये कल वाले ब्लॉग में कि मुझे लग रहा है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, और सीरियसली मैं बीमार पड़ गया। सुबह से जो है मैंने दो पैरासीटामोल खाई है, पता नहीं क्या वायरल हुआ है क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रही। अभी मैं मतलब ठीक हूँ, अभी थोड़ा सा फिलहाल ठीक हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर पहले मैंने पैरासीटामोल खाई, हाँ थोड़ा कमजोर सा मैं हो ही जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों यार। इतना तो मैं कमजोर हो भी ना रहा था जितना मैं हो रहा हूँ, क्या पता थोड़ा बीमार करके हो गया हूँ क्या है, और जो मैंने थोड़ा खाना पीना भी छोड़ रखा क्या पता उसकी वजह से हुए हूँ। ठीक है तो गाइस फिर अभी जो है ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, क्योंकि मैंने खाना तो है नहीं यार, डिनर विनर भी क्या दिखाऊँ, मैंने डिनर खाने का दिल भी नहीं आज। तो मिलते हैं गाइस कल वाले ब्लॉग में, और आप लोग अपना ध्यान रखना, और पौष्टिक नहीं खानी, और पौष्टिक चीज़ें खाते रहिएगा, मेरी तरह ड्रामे मत करना अपने घरों में, और बाहर की चीज़ें मत खाना बिल्कुल भी, जैसे मैं भी खा के आया हूँ तला हुआ। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।